Hello, dear student. Welcome to this session of Gyandeep. Today we will continue our previous chapter, Landscape of the Soul. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इसमें जो है राइटर ने कंट्रास्ट कराया है दो पेंटर्स के लिए, एक यूरोपियन और दूसरा एशियन, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न. तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दो यहाँ पे जो है यूरोपियन कथा और जो है एक एशियन कथा को भी उससे जोड़ के जो है पेंटर ने, जो राइटर ने जो है यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से पेंटिंग से जोड़ा गया है कथाओं को. तो वहाँ पे यही कथाएं जो है प्रचलित हैं कहाँ पे, एशिया में और यूरोप में. तो यहाँ पे जो पिछले बार जो है मैंने यही आपको बताया था कि किस तरह से जो है एक पेंटर थे और उन्होंने जो है एक पेंटिंग बनाई थी और उसमें जो है एक क्वेंटिन ब्लैक स्मिथ थे और किस तरह से उन्होंने जो है उनकी डॉटर से प्यार करते थे और वो जो है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था उससे मैरिज करने के लिए. परंतु बाद में क्या करा था उन्होंने, एक बारी स्नीक बने नजरे बचा के जैसे ही वो उनके स्टूडियो में गए थे, जो उनका नया पैनल था, नई जो पेंटिंग बनाई गई थी उसमें उन्होंने एक क्या बना दिया था, फ्लाई बना दिया था, जो इतनी रियल लग रही थी कि जब उनका जो है पेंटर वापस आए और उन्होंने उस फ्लाई को देखा तो उन्होंने उसको उड़ाने की बहुत कोशिश करी, क्योंकि उनको जब पेंटर को ही इतनी रियल लग रही थी तो कितना मतलब अच्छा पेंटिंग करी होगी क्वेंटिन ने. तो उन्होंने बहुत उड़ाने की कोशिश करी परंतु बाद में पता चला कि वो इट इज नॉट रियल. और फिर उन्होंने जो है क्वेंटेन को जो है अपने स्टूडियो में रख लिया था और अपनी डॉटर की मैरिज कर ली थी. तो यहाँ तक जो है, और वो अपने युग के जो है बहुत फेमस जो है पेंटर बने थे. तो यहाँ तक जो है हमने पढ़ लिया था और अब जो है हम इसी को कंटिन्यू करते हैं. तो स्मार्ट बोर्ड में इसको कंटिन्यू करते हैं. एक क्लासिकल मेटीरियल अपीयरेंस तक हमने कर लिया था और क्लासिकल चाइनीज. In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciate its outer appearance. अब इन चाइना की जो स्टोरी होती थी उसमें क्या होता था, जो एम्परर थे वो क्या करते थे, पेंटिंग की आउटर अपियरेंस. क्योंकि जो पेंटर होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पोएट होता है बहुत डीप तक चला जाता है अपनी पोएम के अंदर, तो उसकी भावनाएं जो है उसके अंदर रहती है. तो सिमिलरली जो पेंटर होता है तो उसकी जो आर्ट होती है उसकी पेंटिंग के अंदर रहती है, एनग्रीव रहती है उसके अंदर, बिल्कुल बहुत डीपली वो ड्रॉ करता है. तो जो एम्परर होते हैं इन चाइनीज स्टोरीज में, जो एम्परर क्या करते थे, पेंटिंग को आउट मतलब बाहर से देखने से जैसी लग रही है ऐसे अप्रिशिएट करते हैं. अगर हम भी देखेंगे तो हमें उसके अंदर जो भाव है उसका उतना पता नहीं चलेगा. बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क. परंतु एक आर्टिस्ट ही उसका जो है सही मतलब जो है बता सकता है. द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कॉन्कर्ड. मतलब जो एम्परर है वो वही जितनी सीमा उसने जीती है वहीं पे राज कर सकता है. बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन. लेट मी शो द वे द डाओ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स. द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज दिस. कि मतलब जो अभी इससे पहले जो स्टोरी बताई थी कि उसकी जो मिस्टीरियस वर्क होता है वो उसमें छुपा रहता है, किसके अंदर, पेंटिंग के अंदर चला जाता है. पेंटिंग चलेगी, आर्टिस्ट ने जो है अपना गोल जो है, जो उसका एम था बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, जो भी उसने बनाया था उसकी वो उसका पूरा हो गया था. किसका, पेंटर का. कि जो जो भावनाएं थी, जो उसका उद्देश्य था, जो एम था आर्टिस्ट का, वो उसके पेंटिंग में था. दो द पेंटिंग जो थी नहीं थी, नहीं रही थी, पेंटर भी नहीं रहा था, परंतु जो वो है अपनी पेंटिंग में सक्सेस था. ए क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मैन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग. जैसे मैंने पहले बताया था कि चाइनीज पेंटिंग लैंडस्केप इज नॉट मैन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू, उसमें जो है हमें एक्चुअल व्यू, परंतु जो वेस्टर्न जो रहती है फिगरेटिव पेंटिंग रहती है जिसमें भ्रम रहता है कि हमें ये कि नेचुरल है या नहीं है. वेयर इज द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आईज एंड लुक लुक एट ए पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ इट. परंतु जो यूरोपियन पेंटर्स होते हैं, जो वेस्टर्न पेंटर्स हैं, वो चाहते हैं कि एक एक चीज जो लैंडस्केप की है जैसे कि वो देख रहा है, वो मीन्स पेंटर देख रहा है किसको,
जो उसने लैंडस्केप बनाया है, जो ड्रॉ करा है उसने, जो पेंटिंग बनाई है, उसको उसकी तरह से जो है, जैसे पेंटर देख रहा है वैसे ही जो है वो अपने आके फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, एक एंगल से जो है देखें। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, हिज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। परंतु जो चाइनीज की जो पेंटिंग होती थी, यूरोपियन पेंटर क्या कहता था कि हर एंगल से हर चीज को एक स्पेसिफिक एंगल से, पर्टिकुलर एक एंगल से उसको देखो। परंतु जो चाइनीज पेंटर है, इसमें डिफरेंस है, तो फिर यही आगे क्वेश्चन है। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज, और चाइनीज की जो पेंटिंग होती थी उसमें जो ऐसा कुछ नहीं था कि आप जो है एक सिंगल व्यू पॉइंट से उसको देखो। हिज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। और जब उसकी पेंटिंग को हम देखते हैं, देखेंगे चाइनीज पेंटिंग को, तो हम क्या होगा, कहीं से भी उसमें एंटर कर सकते हैं। हिज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, देन ट्रेवल इन इट, और तब जो है हम उसके अंदर घुस के उसको फिर एग्जामिन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आईज टू ट्रेवल अप एंड डाउन, और जो हमारी आंखों में जो हमारे एक पाथ है, एक रास्ता क्रिएट करता है आर्टिस्ट। मतलब वो कह रहे हैं कि उसको जो है चाइनीज पेंटिंग को जो है हम किसी भी एंगल से, किसी भी पॉइंट से, सॉरी किसी भी पॉइंट से हम उस पेंटिंग के अंदर जाके जो हमारी आंख जो है पाथ बना रही है, तो उसमें हम जो है अप एंड डाउन करके जो है उसको देख सकते हैं, एंड देन बैक अगेन, और वापस भी आ सकते हैं इन लेजरली मूवमेंट। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजेंटल स्क्रॉल, इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन एक्शन ऑफ द पेंटिंग, जैसे हम स्क्रॉल करते हैं, ऊपर नीचे घुमाते हैं द पेंटिंग, देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू द अदर, एट्स ए डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। अब इसमें क्या होता है कि वो कह रहा है कि जैसे हम स्क्रॉल कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट से हम अंदर चले गए, पेंटिंग के अंदर चले गए, फिर हम स्क्रॉल मीन्स ऊपर नीचे करके जो है हम उसको पेंटिंग को जो है देख सकते हैं। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब ये नहीं है कि हम पेंटिंग देख रहे हैं और हमारा माइंड कहीं और डाइवर्ट हो रखा, परंतु हम उसको पर्टिकुलर जो है देखें, उसको व्यूअर की जो है एक्टिव होना चाहिए, पार्टिसिपेशन। हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग, कि उसे पता होना चाहिए कि हम किस जगह से जो है पेंटिंग के अंदर जा गए हैं। ए पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल। जैसे अभी मैंने बताया कि फिजिकली तो होगा ही होगा, साथ में मेंटली भी हमें जो है फोकस करना पड़ेगा पेंटिंग के किस एंगल से या किस पॉइंट से हम जो है उस पेंटिंग को देख रहे हैं। तो इस चीज को देखने के लिए जो है पेंटर कह रहा है कि जो व्यूअर है, देखने वाला जो है, उसका जो पार्टिसिपेशन है कैसा होना चाहिए, फिजिकल भी होना चाहिए और मेंटल भी होना चाहिए, दोनों तरीके से जो है उसको ये व्यू देखना चाहिए। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आईज, ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस। कंसेप्चुअल का मतलब क्या होता है, विचारों या कल्पनाओं का संसार। कंसेप्चुअल का मतलब क्या होता है कि विचारों या कल्पना का संसार। तो जो चाइनीज पेंटर क्या कहते हैं कि उनको जो है, पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आईज, कि तुम्हें अपनी आईज जो है बोरो करने की जरूरत नहीं है। ही वॉन्ट यू टू एंटर, कि अपना माइंड जो है उसमें एंटर करो, अपने दिमाग से सोचो द लैंडस्केप एज एन इनर वन। और वो कहते हैं कि जो है लैंडस्केप के अंदर जो है उसको जो है अपने एक कल्पना जो है, पेंटर ने अपनी कल्पना के अनुसार जो है पेंटिंग करी है, उसके अंदर अपने माइंड को फोकस करके उसको देखो कि उसके अंदर जो है पेंटर ने अपनी भावनाएं जो है जो भी डाली गई हैं उसको एक जो है दिमाग से जो है फिजिकली और एज वेल एज मेंटली जो है उस पे फोकस होकर उसको देखें। तो दोनों के अलग अलग व्यूज हैं।
कि एक जो कहते हैं कि हर हमें जो है हर पॉइंट से जो है अपनी यूरोपियन पेंटर कहते हैं कि बोरो योर आईज एंड लुक एट अ पर्टिकुलर एंगल एग्जैक्टली एज ही साइट, कि जैसे वो देखता है हर एंगल से जो है पिक्चर को देखो. बट जो चाइनीज पेंटर क्या कहते हैं कि डोंट डोंट बोरो योर आईज, खाली जो है अपना माइंड जो है यूज करके फोकस करके उसको देखो और एग्जामिन करो कि क्या जो है उसमें कल्पना या जो विचार जो है पेंटर ने डाले हैं उसको स्टडी करो. नेक्स्ट इज दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंचुरी लिटरली माउंटेन वाटर. सेंचुरी का मतलब होता है लिटरली, क्या मीनिंग है इसका, माउंटेन वाटर विच यूज टूगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप. More than two elements of an image, these represents two element complementary poles reflecting the doused view of the universe. The mountain is yang. अब doused view क्या है यूनिवर्स का, कि उन्होंने जो बोला है माउंटेन को क्या बोला है यंग, रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन, स्टेबल वार्म एंड ड्राई इन द सन वाइल द वॉटर इज यिन. उन्होंने क्या बोला है यंग किसके लिए यूज करा है वर्ड, माउंटेन के लिए यूज करा है, पहाड़ों पर्वतों के लिए जो यू है यूज करा है यंग वर्ड, और जो है रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन स्टेबल वार्म एंड ड्राई इन द सन, और दूसरा है जो है कहाँ पहुंचता है ये, हेवन में जाता है स्टेबल रहता है वार्म में, और क्या है ड्राई इन द सन, सन में क्या होता है राइट, सबको पता है माउंटेन सबने देखे हैं कि वर्टिकली टूवर्ड्स द हेवन वर्टिकली रहते हैं वो और स्टेबल रहते हैं, मूव नहीं करते हैं, वार्म रहते हैं, ड्राई इन द सन रहते हैं, सूरज निकलता है तो ड्राई रहते हैं, वाइल द वॉटर इज इन. उन्होंने क्या बोला है दूसरा क्या नाम लिया है वॉटर, सबको पता है पानी, पानी कैसा रहता है हॉरिजेंटल, नीचे समतल रहता है बिल्कुल हॉरिजेंटल, और कहाँ रहता है रेस्टिंग ऑन द अर्थ, अर्थ में रहता है फ्लूइड मॉइस्ट एंड कूल, दोनों क्या है अपोजिट है, यांग और यिन दो की जो है तुलना की गई है यहाँ पे. यांग किसके लिए यूज करा है माउंटेन के लिए यूज करा है जो वर्टिकल होते हैं, और येन किसके लिए यूज करा है वाटर के लिए यूज करा है जो कि हॉरिजेंटल होते हैं, और वो क्या होते हैं स्टेबल होते हैं मूव नहीं करते हैं. पानी क्या होता है सबको पता है मूव करता है फ्लूइड होता है, वार्म ये कूल होते हैं, वो ड्राई इन द सन होते हैं, और ये क्या होते हैं मॉइस्ट क्योंकि पानी है. तो यहाँ पे क्या है सेंचुरी लिटरली माउंटेन वाटर, अब माउंटेन वाटर की तुलना की गई है तो यहाँ पे जो है रिफ्लेक्टिंग द डाउस्ट व्यू, डाउस्ट के जो यूनिवर्स के जो व्यू हैं उनके अपने जो है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. तो यंग और यिन दो वर्ड यूज करें हैं, द इंट्रैक्शन ऑफ यिन द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग एक्टिव एंड मैस्कुलिन इज ऑफ कोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ डाइज्म. तो यहाँ पर जो है यांग और यिन दोनों को जो है उन्होंने क्या कहा है, यांग को क्या बोला है मैस्कुलिन से तुलना की गई है, और यिन जो पानी है उसको क्या बोला है फेमिनिन. एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, जो पूरे हमारे यूनिवर्सल की क्या है एनर्जी है, हमें जो है क्या देते हैं ये पानी, पानी के बिना क्या होता है कोई भी जीवित नहीं रह सकता है. तो रिसेप्टिव फेमिनाइन और यिन को बोला है और यांग को बोला है एक्टिव एक्टिव फेमिनाइन. तो यहाँ पे जो है इन्होंने जो है माउंटेन और उसकी जो है कंपैरिजन किया गया है कि किस तरह से जो है कि यंग इंग्लिश में बता देती हूँ थोड़ा सा मैं, द राइटर मेक्स अ स्टडी ऑफ द वर्ड लैंडस्केप, ही सेज दैट द वर्ड लैंडस्केप यंगिन हैज इन इट्स टू एलिमेंट्स. अब दो एलिमेंट्स ऐसे अभी मैंने पहले भी बताया था, दो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक यंग है वाटर और दूसरा क्या है यिन. तो द माउंटेन यंग रीचेस वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन, इट इज अ स्टेबल, कैसा रहता है स्टेबल रहता है, वार्म रहता है, ड्राई इन द सन. बट वाटर यिन इज हॉरिजेंटल एंड रेस्ट ऑन द अर्थ, इट इज यंग, इट इज फ्लूइड, कैसा रहता है बहता रहता है,
मॉइस्ट है और कैसे है कूल. यिन इज इन द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी. यंग इज एन एक्टिव एंड मैस्कुलिन. बट बिसाइड्स यंग एंड यिन देयर इज ए थर्ड एलिमेंट ऑल्सो. इट इज द मिडिल वॉइड वेयर द इंटरेप्शन टेक्स प्लेस. तो यहाँ पे जो है पर्वत जो है सीधा आकाश की तरह खड़ा है, यह स्थिर है, शुष्क कैसा है, ड्राई है, स्टेबल है. और पानी जो है क्या है, हॉरिजेंटल है, तल पे है, पृथ्वी पे है. और इसकी तुलना किससे करी है, यिन जो है पूरी सृष्टि की क्या है, शक्ति है, एनर्जी है. और इसको फेमिनाइन स्त्रीलिंग से जो जोड़ा गया है, पर्वत को जो है एक एक्टिव जो है मैस्कुलिन बोला है, पुरुष की पुल्लिंग के से तुलना से कंपेयर किया है. परंतु जो है यंग और यिन के अतिरिक्त वहां एक तीसरा तत्व है मिडिल वॉइड वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस. और वहां पे जो है एक जो है क्या है, एक पॉइंट है, खालीपन है, जहाँ अंतः क्रिया मतलब इंट्रैक्शन होता है. वहां पे इन दोनों के बीच में जो है एक बैरन स्पेस है, खाली स्पेस है, जहाँ पे इंट्रैक्शन. दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द, और इसकी जो है योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, ब्रीथ इन रिटेन ब्रीथ आउट. प्राणायाम जो है योगा, जब लोग करते आप लोगों को पता होगा जो योगा करते हैं तो प्राणायाम करते हैं ना, ब्रीथ इन और आउट, अंदर और बाहर करते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राणायाम. तो ये एक योग क्रिया है. तो उसकी कंपैरिजन जो है उन्होंने किससे करी है, योग से करी है, कि ब्रीथ इन ब्रीथ आउट. द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज इन द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स. और क्या करते हैं हम, जब हम प्राणायाम करते हैं तो क्या करते हैं, मेडिटेशन एक तरह का क्या होता है, हमारा योग होता है वहां पे. तो इसके तो यहाँ पे भी जो है उन्होंने इसी से तुलना करी है कि जिस तरह से जो है मनुष्य जो है ब्रीथ इन वॉइड, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, द मिडिल वॉइड इज एसेंशियल. और मिडिल वॉइड जो है यहाँ पे कह रहे हैं वो बहुत जरूरी है, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता. हैंस द इंपॉर्टेंस ऑफ द वॉइड unpainted space in Chinese landscape. तो इसके बिना जो है वो कह रहे कुछ भी नहीं है. इसी से एक चीनी पेंटिंग में बिना चित्रित की गई सफेद जगह के महत्व का पता चलता है, कि जो हमारे जो खालीपन है उसको जो है लैंडस्केप, चाइनीज लैंडस्केप ने जो है इसको अनपेंटेड स्पेस, जो पेंट नहीं किया गया उसकी महत्ता को जो है बताया गया उसने अपनी पेंटिंग के थ्रू. दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ. और इस तरह की जो है मनुष्य ने ब्रह्मांड में जो है यूनिवर्स में एक जरूरी जो है स्थान प्रदान करती है. और इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ ही बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स. धरती ब्रह्मांड के दो ध्रुव है, सबको पता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो ध्रुव हैं. इन दोनों ध्रुवों के मध्य क्या है, मनुष्य संचार के एक माध्यम को का काम करते हैं, कम्युनिकेशन बातचीत का. जो हम दो पोल हैं यूनिवर्स के, तो उसके बीच में जो है मनुष्य जो है वो कम्युनिकेशन का काम करते हैं. हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल. और वो कहते हैं कि उनकी जो उपस्थिति है वो बहुत जरूरी है. हिज एसेंशियल इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड. अगर जो है इसमें क्या है, हम सजेस्ट करें कि फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स ही इज इन फ्रांसिस चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप. तो इसलिए उसकी उपस्थिति बहुत जरूरी है. फ्रेंकोइस ने जो है, फ्रेंकोइस चैंग के शब्दों में, मनुष्य जो है प्राकृतिक चित्र, लैंडस्केप क्या है, प्राकृतिक चित्र की आंख है. किसने बोला है ये, फ्रेंकोइस चैंग ने बोला है, कि क्या बोला है, प्राकृतिक चित्र जो है मनुष्य जो है शब्दों में, फ्रेंच के शब्दों में, मनुष्य प्राकृतिक चित्र की क्या है, आंख है. क्यों बोला है, क्योंकि जो हमारे जो पोल है यूनिवर्स के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है, उनके बीच में कम्युनिकेशन का काम कौन करता है,
मनुष्य ह्यूमन बींग्स कहते हैं, तो उसने जो है फ्रेंच चैंक्स ने बोला है कि मनुष्य जो है प्राकृतिक चित्रों का की आंख है। तो यहाँ पे जो है ये चैप्टर बहुत छोटा सा था, तो ये आज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो अब जो है इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। तीन क्वेश्चंस तो हमने पहले करे थे, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम कर लेते हैं इसका, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहले मैं वो बता देती हूँ कि जो एग्जाम में आते हैं, दैट इज योर कंट्रास्ट द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रास्ट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंट्रास्ट द चाइनीज व्यू चाइनीज व्यू व्यू ऑफ आर्ट विद द यूरोपियन व्यू यूरोपियन व्यू विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स की हेल्प से जो है आपको बताना है, कंट्रास्ट करना है कि चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट और यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट में क्या कंट्रास्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि क्या है चाइनीज व्यू, और मैंने पहले भी बताया था कि चाइनीज व्यू का क्या है। तो आंसर है इसका, चाइनीज आर्टिस्ट टेक्स आर्ट एज एन एसेंस ऑफ इनर लाइफ। पहले भी बताया था कि मैं जो है वो आत्मा से, अंदर से, सोल से जो भी पेंटिंग बनाता है तो उसमें उनके व्यू में है इनर लाइफ एंड स्पिरिट्स। ए यूरोपियन आर्टिस्ट टेक्स आर्ट, उसकी बताई थी मैंने पहले, फिगरेटिव पेंटिंग, फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, जो रियलिटी होती है उसको फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन होता है। ए यूरोपियन आर्टिस्ट वॉन्ट्स द व्यूअर टू बोरो हिज आईज एंड लुक एट द पेंटिंग, कि उसको यूरोपियन व्यू क्या था कि अपने जो है आईज से जो है उसको देखो और हर एंगल से जो है पेंटिंग को जो है तुम एनालाइज करो उसको। लुक एट द पेंटिंग एज ही सॉ इट, जैसे वो देखते हैं। परंतु चाइनीज क्या बोलते हैं, डोंट बोरो योर आईज। चाइनीज आर्टिस्ट वॉन्ट्स द व्यूअर टू एंटर हिज माइंड एंड लुक एट हिज पेंटिंग एज द लैंडस्केप ऑफ द स्प्रिट, द पेंटिंग दैट वुड ऑजी मेड फॉर द टैंग एम्परर रिप्रेजेंटेड द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट। इट हैज मेंट, तो यहाँ पे जो है दोनों व्यूज बताने की, चाइनीज व्यूज और यूरोपियन व्यूज की। यूरोपियन व्यूज टू शो द एम्परर दैट द आउटर ब्यूटी ऑफ द फिगर इज ऑफ नो वर्थ, कि मतलब बाहर की ब्यूटी नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू नहीं है जितना उसके अंदर जो इनर ब्यूटी दैट मैटर्स। ठीक है, तो ये आपको कंपैरिजन बताना विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जैसे एक फ्लाइट बनाई थी क्वेंटिन ने और वो क्या लग रही थी, सचमुच की लग रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन, ये भी इम्पोर्टेंट है, यांग और यिन के बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर कर लेना। कंसेप्ट ऑफ सेंचुरी, अभी ये दो क्वेश्चन जो है आप जो है होमवर्क में करके लाएंगे। तो आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा, और जिसका छूटा है वो डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल में इसको देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय।